जरा सोचिए कि आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड हो जाए और कुछ सेकंड में ही आपके खाते का बैलेंस जीरो हो जाए। अब दोबारा सोचिए कि अगर आपको ठगी के पैसे वापस भी मिल जाएं, जाहिर है अगर ठगी के पैसे मिल जाएंगे तो चेहरे पर चमक भी आ जाएगी, वो खुशी वापस लौट आएगी जो खाता खाली होने के बाद कहीं गुम हो जाती है। लेकिन ठगी के बाद पैसे मिलना किस्मत वालों को ही नसीब होता है, पर आज जो बातें हम आपको बताएंगे उससे आप भी ठगी के रुपए वापस हासिल कर सकते हैं। हाल में ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 की मदद से ठगी के करीब 3.13 करोड़ रुपए बरामद किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हाल में ही बागपत में भी कई लोगों की ठगी के लाखों रुपए लौटाए गए। इसमें ठगी के शिकार हुए ग्राम हजूराबाद गढ़ी निवासी आजाद सिंह डीटीसी के रिटायर्ड परिचालक हैं। उनके खाते से 17 से 19 अगस्त के बीच 3 बार में 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। जब ये रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए तो उनके पास कोई भी मैसेज नहीं आया था। उनका एटीएम कार्ड भी उनके पास सुरक्षित था, लेकिन जब वे 19 अगस्त को बैंक से पैसे निकालने गए तब उन्हें इस बारे में जानकारी हुई। फिर उन्होंने बागपत के सिंगावली अहिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद स्थानीय बागपत पुलिस ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी एपीएस के फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के जरिए लोगों के बैंक खातों से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लैपटॉप मशीन, फर्जी अंगूठा निशाने कागज, कई मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद हुए। पुलिस ने दिल्ली के शाहदरा के वरिष्ठ नागरिक राम प्रकाश के ठगी के पैसे भी वापस हासिल करने में सफलता प्राप्त की। बताया जा रहा है कि इनके साथ 4 जून को साइबर ठगी हुई थी, उस समय इनसे करीब 3.5 लाख रुपए ठग लिए गए। इस घटना की शिकायत उन्होंने एक दिन के भीतर ही करा दी। अब उनके खाते में 3 लाख रुपए वापस करा दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 शुरू किया है। ये हेल्पलाइन नंबर 1 अप्रैल को 7 राज्यों में लॉन्च किया गया और 16 जून से ये नंबर पूरे देश के लिए उपलब्ध है। अब तक ये हेल्पलाइन नंबर कुल 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहा है। जल्द ही ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर शुरू होने से काफी कम समय के भीतर ही साइबर ठगी से लोगों को काफी राहत मिली है और ठगे गए पैसे भी लोगों को वापस मिल रहे हैं। अब तक हेल्पलाइन की मदद से ठगी के करीब 3 करोड़ रुपए की वापसी कराई जा चुकी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये हेल्पलाइन नंबर काम कैसे करता है। दरअसल साइबर पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा ठगी की शिकायत मिलने के बाद तुरंत बैंक या वॉलेट को ठगी की शिकायत खाताधारक के नंबर के साथ भेज दिया जाता है। ऐसा करते ही बैंक के सिस्टम में जानकारी फ्लैश होने लगती है। यदि पैसा संबंधित बैंक से निकाला नहीं गया है तो उसे तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है, और अगर पैसा किसी और बैंक में ट्रांसफर हो चुका है तो भी ठगी की जानकारी को दूसरे बैंक को भेज दिया जाता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक पैसे की पहचान कर उसे फ्रीज नहीं कर दिया जाता। हालांकि अगर ठगी के बाद पैसों को ठगों द्वारा निकाल लिया गया तो ऐसे में रुपयों की बरामदगी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर ये पैसे एक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे तुरंत फ्रीज कर पीड़ित को रुपए वापस सौंप दिया जाता है। अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाएं तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस और संबंधित बैंक में जाकर कराएं, क्योंकि ठगी होने के 24 घंटे के बाद अगर शिकायत होती है तो पैसे मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। शिकायतकर्ता के द्वारा तुरंत शिकायत दर्ज करने के बाद इसकी सूचना के साथ एक नंबर भी दिया जाता है। इन जानकारियों के साथ 24 घंटों के अंदर ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पूरा विवरण देना होता है। आपको बताएं कि साइबर ठगी के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर का संचालन अब हर जिले में साइबर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से साइबर ठगी के शिकार लोगों को उनका पैसा वापस मिलने लगा है। पिछले 3 महीने में करीब 3.13 करोड़ रुपए ठगी के शिकार लोगों को वापस लौटाए जा चुके हैं। अगर आप ऐसे किसी भी तरह के साइबर ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो कोई भी संदिग्ध मैसेज या लिंक जो आपके ईमेल, मोबाइल या व्हाट्सएप पर आ रहा हो उस पर तुरंत क्लिक कतई ना करें। इसके साथ ही गूगल पर दिए गए किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर भी तुरंत भरोसा ना करें, क्योंकि गूगल पर अक्सर साइबर फ्रॉड अपना नंबर डाल देते हैं और वो आपकी मदद करने के बजाय आपको उल्लू बना देते हैं।
इसके साथ ही कभी भी फोन पर बात करते हुए बैंक से जुड़ा कोई भी काम ना करें, क्योंकि बातों में उलझाकर ठग आपसे ओटीपी मांग लेते हैं। सोशल मीडिया का पासवर्ड भी मजबूत बनाएं। इन दिनों फेसबुक पर भी ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं, और अगर फिर भी आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 155-260 पर शिकायत दर्ज कराएं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर जाकर किसी भी तरह के साइबर क्राइम का ठगी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।